क्या कुछ बोलना चाहेंगे एकता मंच की तरफ से? प्यार का सौगात का एक कार्यक्रम रखा गया है। एकता मंच की तरफ से हर साल 24 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर अजय कॉल सर इतने बड़े वैद्यकीय शिविर का, मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो साल भर में अलग अलग प्रकार के उपक्रम जो अजय कॉल सर जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें से ये भी एक उपक्रम है और सही मायने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को आत्मसात करके समाज में उसको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये काम जो है वो अजय कॉल सर करते हैं। हम उन्हें इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर और उनके बहुत सारे दूसरे जो उपक्रम चलते हैं उन उपक्रमों के शुभ अवसर पर भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है, प्यार का सौगात एकता मंच की तरफ से हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पिछले 15 साल से अजय कॉल सर और एकता मंच जो है वो मेडिकल कैंप का, इस तरह का भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन करता है और ये सिर्फ अजय कॉल सर से भी मेडिकल कैंप ही नहीं बल्कि साल भर वो लोगों की सेवा में इसी तरह लगे रहते हैं और हम कभी कभी ये सोचते रहते कि इतनी ताकत और इतनी शक्ति एक इंसान में आती कहाँ से है। तो ये इनका जो समाज के प्रति प्यार है, जो सर्वधर्मीय समभाव का जो उनका जो जो पाथ है जो उस पर वो चलते हैं, ये उसी से उनको मिलता है और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हर वक्त अजय कॉल सर लोगों के बारे में सोचते हैं और अब इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे और हम यही दुआ करेंगे कि अजय कॉल सर को लंबा आरोग्य, लंबी हेल्थ और अच्छी सेहत मिले ताकि वो लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे और लोगों की ज़िंदगी के अंदर इसी तरह से एक किसी न किसी तरह जुड़े रहे। शुक्रिया सर। कुछ बोलना चाहेंगे एकता मंच की तरफ से प्यार का स्वागत यह कार्यक्रम? एकता मंच के माध्यम से बहुत से सामाजिक उपक्रम, ये खाली वर्सोवा में नहीं, ये पूरे मुंबई सबक के जो भी पूरा जिला है उसके अंदर होते हैं और जहाँ जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं वहाँ वहाँ पे उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने का काम एकता मंच के माध्यम से। आज यहाँ पे बड़े पैमाने में बहुत बड़ा मेडिकल कैंप रखा गया है, एकदम वेल ऑर्गेनाइज, ये खाली दिखने में बड़ा नहीं, दिखने भी बड़ा है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी बड़ा है और इसके अंदर जो सुविधा दी जा रही वो भी बड़ी है, वो मेरे ख्याल से उसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आने वाले एक एक व्यक्ति का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन करने से उसका एंड जो उनका काउंटर है वहाँ लाने तक और वहाँ से फॉलोअप तक, और मेरे ख्याल से वॉलेंटियर्स जो है सर के वो जगह जगह जो भी बुज़ुर्ग है, जो भी महिला वर्ग है, जो भी छोटे लोग हैं उनकी भी ख्याल रख रहे हैं, पानी चाहिए, बैठने की जगह चाहिए, खाना चाहिए, वो सब देखा जा रहा है और मेरे ख्याल से एकता मंच के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम होते रहे और यही मेरे ख्याल से यहाँ के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत है और ये ज़रूरत पूरा करने का काम अजय सर और उनकी पूरी टीम करते हैं, उनका मुझे अभिमान है। अजय सर के बारे में अगर एक लाइन में कुछ बोलना रहे तो क्या बोलेंगे? अजय सर सबके अजय सर, जो साई ने जो हमको ये दिया है, अरे वाह क्या बात, कि जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करो, क्या बात, वो जो सेवा करने का मंत्र मेरे ख्याल से पूरे पूरे 100% अजय सर ने उठाया है और ऐसे ही उनकी सेवा रहती है, वो सेवा जब भी देते हैं तभी कुछ रिटर्न में कुछ अपेक्षा नहीं करते, कुछ भी अपेक्षा नहीं करते क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है, फिर भी कभी कभी उनको जब भी तकलीफ होते हैं ना तो हमें बुरा लगता है कि ऐसे काम करने वाले आदमी को भी अगर तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इस राजनीति में और उसको बदलना चाहिए, ऐसी मेरी यहाँ से सबको विनंती है। पिछले 15 सालों से हर साल इस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो कैसे क्या करेंगे 15 साल के बारे में? 15 साल में मैं बहुत सालों से यहाँ पे प्रोग्राम में आता हूँ, दिन बदन जो प्रोग्राम है वो भी अच्छी तरीके से आयोजन होता है, पार्टिसिपेंट जो रहते हैं उनको जो ज़रूरतमंद रहते हैं उनकी भी तो यहाँ पे ज़्यादा तो ये बढ़ गई है तो आयोजन अच्छा है और अलग अलग काम। अभी मेरे को एक बात बताइए कि कोविड हो गया था, कोविड में सबको प्रॉब्लम थी, कोविड में प्रॉब्लम होने के बाद में लोगों ने अपने अपने बच्चों को एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा दी लेकिन पेरेंट्स को मेरे ख्याल से पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई थी, उनके वो रोजी रोटी बंद हो गई थी, अपने अपने खाना कैसे खाए खाने की मोहताज थी उस टाइम पे, मुझे मालूम नहीं देश भर में क्या हो गया,
लेकिन हमारे उत्तर पश्चिम जिले के हमारे वर्सोवा के ये अजय सर ने पूरे उनके जो स्टूडेंट्स है वो पूरा स्टूडेंट्स का उनका फी माफ़ कर दिया और उसके बावजूद जिसको जो लगा वो भी उनके माध्यम से देने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा काम है उनका, बहुत बड़ा काम है। एकता मंच को सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो हर बार हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ों के साथ में आते हैं। प्रशांत सर, अजय सर के साथ में मैं काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 20 साल से जुड़ा हूँ, तो वो उन्होंने जो वातावरण रखा है, जो गरीबों के लिए जो मदद करते हैं, जो लोगों के लिए आके यू नो कभी बेंच देना, कभी मेडिकल कैंप, कोरोना के टाइम पर इतनी मदद करना, फ्री मेडिकल चेकअप, इतनी सारी चीज़ें, मुझे लगता है हर 3 महीने में एक एक ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है, तो ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि ऊपर वाला हमेशा उनको इतना दे कि वो गरीबों की मदद के लिए ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे। इसकी तरफ से प्यार का सौगात एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हेल्थ चेकअप हो रहा है, इस विषय में क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तर मी आज परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमस्कार करतो की आज त्यांचं 14 एप्रिल खूप मोठा दिवस आहे आणि जे आपले एकता मंच तर्फे हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, या अजय कोल सर आणि आमचे प्रशांत काशीद साहेब या दोघांचं हे आजचं नाही आहे, वर्षानुवर्ष जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात दरवर्षी यांची जी संख्या आहे ती वाढत जाते। पेशंट लोकांना जे गरजू आहेत, आपण बघाल की कुपरला जातात लोक किंवा ट्रामाला जातात, तिकडे जेवढ्या सोयीसुविधा सरकार किंवा BMC ने करून दिल्या पाहिजेत तेवढ्या उपलब्ध नाही आहेत आणि अशा वेळी आज अजय कोल सर शिक्षण महर्षी म्हणून आपल्या पूर्ण उपनगरामध्ये परिचित आहे, परंतु आरोग्य सेवक म्हणून ही त्यांची वेगळी कामगिरी आपल्या सर्वांना उठून दिसून येते। त्यांच्यासारखे लोक समाजात अजून 10 अजय कोल जरी आले तरी कमी पडतील, कारण या एरियाला तेवढी त्यांचं महत्त्व आहे। मेमरी में ये मेडिकल कैंप रखा है, गए 15 साल से यहाँ पे मेडिकल कैंप होता है। अजय कोल सर एक शिक्षण महर्षि है और सामाजिक क्षेत्र में लोगों को, गरीब टप्पे को अपनी सेवा देते हैं और उनके साथ प्रशांत काशी सर जी है, उनके बैकबोन है। आज इतने बड़े पैमाने में जो मेडिकल कैंप होता है जिसमें 19 डिसीज़ के बारे में डॉक्टर्स उपलब्ध है, मैंने देखा नहीं कि इस ज़िले में या मुंबई शहर में इतने बड़े पैमाने में मेडिकल कैंप की सेवा लोगों को मिलती है। और दूसरा कि यहाँ पे ये अंधेरी वेश के जो जनता है वो उसका लाभ उठा है, कम से कम 1500 से 2000 पेशेंट इसका लाभ उठाते हैं। अजय कोल सर जी ने शिक्षण एजुकेशन क्षेत्र में तो बहुत सारी कामें लोगों को दिए, इस क्षेत्र में लॉ कॉलेज बोलो और एजुकेशन क्षेत्र में लोगों को शिक्षण देने का बहुत बड़ा काम अजय कोल सर जी ने किया है और उनके साथ प्रशांत काशी सर भी है। और जो एक शिक्षण महर्षि होने के बाद हमने पूरे इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में देखा है कि जो एजुकेशन फील्ड में जो रहते वो समाज सेवा नहीं करते, वो खाली अपनी शिक्षण संस्था देखते हैं, बस लोगों को पढ़ाने का काम और घर पे जाने का काम करते। लेकिन अजय कोल सर और प्रशांत काशी सर ये लोगों को, समाज को देने का काम करते हैं। हर सब्जेक्ट में देखे, कोविड काल में देखो, कोविड में उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की कि आज इस वेश के लोग भी उनको मानने लगे। फिर मेडिकल के कैंप के थ्रू लोगों की सेवा करते हैं, तो जब भी बाढ़ आती है इस महाराष्ट्र राज्य में तो उनको मदद करते हैं। ऐसे मदद करने वाले इंसान ये बहुत कम मिलते हैं। मैं अभी मेरे स्पीच में भी बोला कि राज्य शासन को अमित साटम जी यहाँ पे आए थे मिले, उनकी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, तो मैंने उनको विनती किया कि ऐसे अजय कोल सर जी को जो शिक्षण मर्षि है और समाज को कुछ सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको पद्मश्री या पद्म भूषण देने का सिफारत राज्य शासन की तरफ से केंद्र शासन को करना चाहिए। और आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार अजय कोल सर, प्रशांत काशी सर लेके इस मुंबई शहर के लोगों को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से देने का काम, सामाजिक क्षेत्र में देने का काम, समाज को देने का काम अजय कोल सर और प्रशांत काशी सर करते हैं।
आज के इस मेडिकल कैंप के उपलक्ष्य में मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। लाइफलाइन मेडिकेयर हॉस्पिटल की तरफ से अजय कौल साहब को और प्रशांत काशी साहब को बधाई देता हूँ। अभी एकता मंच पर के यानी अजय कौल सरेंद्र के हम इस अवसर से स्वागत करते हैं। लोकल पब्लिक को जो बेनिफिट हो रहा है और आगे जाकर भी जो फायदा होने वाला है, 15 साल से जो कार्य करे बहुत विस्मरणीय कार्य है। मैंने 200-400 कैंप के ऊपर बहुत सारे और हर एक पॉलिटिकल कैंप किया है, लोकल कैंप किया है, पर ये अरेंजमेंट और ये जो सर्विस पेशेंट्स को मिल रही है अपेक्षित है शुभेच्छा देते है कि ऐसे ही सबका ब्लेसिंग करते रहे। प्रत्येक मान्यवरांचा सन्मान करणं हे जी सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? स्वतःचं कर्तव्य मानले आणि नेहमीच आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मान्यवरांचं स्वागत जुळे हुए हैं। यानंतर राजेश खाडके साहेबांना सुद्धा आपण एक पुष्पगुच्छ आणि टोकन ऑफ लव देऊन त्यांचं स्वागत करतो। वो हर साल बढ़ता जा रहा है, लोगों को इससे जो फायदा हो रहा है राजेश खाडके साहेबांचं सुद्धा स्वागत आहे। एक दिन में दिखाई देगा वो चलता रहेगा, यहाँ पे डिटेक्शन होता है और उसके बाद में जो जिन लोगों को आगे के इलाज की ज़रूरत है उनका इलाज आगे चलता रहता है। अजय सर ने ये जो शुरू किया है इसके पीछे मकसद यही है कि लोगों को इस इलाके के इससे यहाँ से दूर काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं तो और जितनी स्पेशलिटीज़ यहाँ पर हैं शायद किसी बड़े हॉस्पिटल में भी आपको एक साथ में इतनी स्पेशलिटीज़ नहीं मिली तो वो सब स्पेशलिटीज़ का इस्तेमाल करके लोग यहाँ से जो फ़ायदा उठा रहे हैं अजय सर प्रशांत और पूरी टीम जो है हमारी इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि लोगों को इसका फ़ायदा होता रहे और ये काम हमेशा चलता रहे। लेट्स प्रे कि वी आर एबल टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ हेल्थ थैंक यू सर। आज इस शिविर में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और क्या कुछ आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम डॉक्टर मेहरा एग्जामिनिंग ईएनटी सेक्शन ऑफ द कैंसर पेड एड एसोसिएशन की तरफ से मैं आया हूँ। लास्ट 7 ईयर्स से मैं ये कैंप अटेंड कर रहा हूँ। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं यहाँ दिखाने के लिए और काफ़ी पुअर भी होते हैं जिन्होंने कभी कोई डॉक्टर भी कंसल्ट नहीं करा हो, वो लोग भी इस कैंप के अरेंजमेंट से काफ़ी खुश दिख रहे हैं और कैंप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा गया है। हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है पेशेंट्स के लिए भी एंड डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू। आज का ये जो शिविर है जिसमें आप लोगों ने भाग लिया है क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग लोगों की आम लोगों की मदद करेंगे? देखिए पिछले कई सालों से मेरा नाम डॉक्टर मुल्ला है, आई एम सेक्रेटरी ऑफ अस्थमा एसोसिएशन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मुंबई। पिछले कई साल से हम रेगुलरली यहाँ आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को अस्थमा के बारे में बताना। अस्थमा जिसको दम लगना बोलते हैं तो अस्थमा ये काफ़ी कॉमन है अपने मुंबई में, बिकॉज अब ये एयर पॉल्यूशन एलर्जी तो अस्थमा की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। हर उम्र में लोग बच्चे बूढ़े औरत मतलब सबको तकलीफ होती है तो इसकी वजह से क्या होता है आदमी परेशान होता है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को बताना पड़ता है कि अस्थमा क्यों होता है, किस तरह से होता है, न होना इसलिए क्या करना चाहिए, ये प्रिकॉशन लेने बताते हैं। उसके बाद में हम उनको दवाइयाँ भी देते हैं कि अगर अस्थमा का आपको अटैक आता है बार बार तो कौन सी दवा लेना है और उसको कंट्रोल में रखना है तो कौन कौन सी दवा लेना है। ज़्यादा तकलीफ है तो आपको पंप से अस्थमा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अस्थमा ये बहुत बीमारी ऐसी है कि आदमी को परेशान हो जाता है, काम काज नहीं कर सकता, लेकिन ये दवा अगर रेगुलरली लेता है तो उसकी सब तकलीफ कंट्रोल में आती है और वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन एक बात है कि उसको कंटिन्यूस सपोर्ट डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे आज इस शिविर में आप लोगों ने हिस्सा लिया है किस तरह से पेशेंट्स आ रहे हो, किस तरह से आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं? सबसे पहले आपका नाम बताइए और किस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप कर रहे हैं? मैं डॉक्टर सुनील गांधी चमड़ी विशेषज्ञ चमड़ी गुप्त रोग कुष्ठ रोग जो विमला डर्मेटोलॉजिकल सेंटर है उससे एसोसिएटेड है। हर साल ये लोग कैंप रखते हैं एकता मंच और ये बड़ी अच्छी बात है कि साधारण लोग
गरीब लोग और बाकी इतर लोगों के लिए ये कैंप बहुत अच्छा होता है। यहाँ जो मरीज़ जो आते हैं वो ज़्यादातर लोअर सोशियो स्ट्रेटा से आते हैं और उनको यहाँ दवाई भी दी जाती है उनके रोग के हिसाब से और उनको बेनिफिट भी होता है। जो नहीं होती है वो लिख के देते हैं बाहर से आप ले। और उसी तरह से यहाँ ज़्यादा जो विमला में आते हैं, ये बिल्डिंग के दो बिल्डिंग बाजू में विमला हॉस्पिटल है, विमला डर्मेटोलॉजी सेंटर है, बाद में यही पेशेंट वहाँ आते फॉलोअप के, क्योंकि चमड़ी की अधिकतर बीमारी ज़्यादा समय लेती है, ट्रीटमेंट लंबा टाइम चलता है, 2 हफ्ता 6 हफ्ता 3 महीना। तो उसी हिसाब से यहाँ के पेशेंट्स जो आते हैं फिर वो वहाँ देख के बाद में फॉलोअप में उधर आते हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए यूनानी दवाई क्या है? जी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिजिनस देसी ये तरीका इलाज है जो प्राचीन काल से भारत में स्थापित है। मुगल डायनेस्टी से इसका आगमन भारत में हुआ, तब से ये भारत की मिट्टी में रची बसी है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से आयुर्वेद और दूसरे अलग अलग शास्त्र जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है पेनिट्रेट हैं डीपली, उसी तरीके से यूनानी शास्त्र भी जो है वो देसी यानी हर्ब्स के ऊपर जो है बेस करता है। इसके मेडिसिन के जो फॉर्म्स हैं आप देखेंगे, जैसे आयुर्वेद में च्यवनप्राश होता है वैसे ही यहाँ पर हमारे पास माजून पाउडर इस तरीके से सारी दवाओं की चीज़ें होती है। इसके अंदर कुछ जो बेसिक जो फिलोसॉफिकल डिफरेंस है उसमें हमारे पास इलाज भी तदबीर सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद इलाज भी दवा किया जाता है, और फिर अगर पेशेंट को नहीं फ़ायदा होता है तो इलाज भी लियत जिसे हम लोग सर्जरी कहते हैं। इलाज भी तदबीर जो होता है उसके अंदर अलग अलग क्रम होते हैं, जैसे पंचकर्मा होता है वैसे इलाज भी तदबीर में हमारे पास 50 से 70 किस्म के क्रम हैं, जिसमें हिजामा कपिंग जिसको बोलते हैं, लीचिंग है, ब्लड लेटिंग के अलग अलग प्रोसेस है, रियाजत है ना, दलक है, मसाज है, एक्सरसाइज है, इस तरीके के अलग अलग क्रम होते हैं। तो इस पर रची बसी ये जो प्रणाली है जिसको हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जो आज आयुष मंत्रालय का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम आयुष से या इंडियन सिस्टम से सेपरेट कर ही नहीं सकते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी और सोवा रिगपा मिलाकर एक जो मंत्रालय बना है जिसको हम आयुष मंत्रालय कहते हैं, उसका एक ये इंटीग्रल पार्ट है और एक अटूट हिस्सा है। सर, ये आपके बगल में जो बैठे हैं ये क्या पेशेंट हैं और इन्हें क्या किस तरह का तकलीफ था और आपने क्या दवाइयाँ दी जरा? जी जी जी, ये हमारे पेशेंट हैं याकूब मेमन साहब, बॉम्बे की बहुत रिनोन पर्सनालिटी हैं। इन्होंने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये 2 से 3 टेनवर में मतलब ये कॉरपोरेटर रह चुके हैं, काउंसलर रह चुके हैं और बहुत इन्होंने कम्युनिटी लेवल पर सर्विसेज दी है। सर जो है वो पिछले 40 से 45 सालों से डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और साथ में डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन इनको पिछले दिनों से जो है बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, जॉइंट पेन है, बैकएक है, तो इस किस्म की तकलीफ़ के लिए पिछले कुछ दिनों में इनका मेरा संपर्क हुआ और ये मेरे पास आए और इसके लिए मैंने इनको जो है यूनानी में इलाज भी तदबीर के साथ जो है पंचकर्मा के साथ साथ कुछ जो है वो नरवाइन टॉनिक जो न्यूरोपैथी की जो तकलीफ थी, साथ में जो है डायबिटीज़ की जो है कुछ इनको फॉर्मुलेशन मैंने दिए और इसके हिसाब से इनको जो फ़र्क पड़ा है वो अभी अपनी ज़बान से जो है वो बोलेंगे तो कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा इसका जो है वो मैसेज पहुँचेगा। जी सर, बताइए यूनानी दवाई आप करने आए हैं तो थोड़ा सा बताएंगे कि इसका पहले भी आपने क्या यूज किया तो लाभ हुआ या आज जो भी आपने यहाँ से दवाइयाँ ली थोड़ा उस बारे में बताना चाहेंगे? पिछले 41 सालों से मैं डायबिटीज़ का मरीज हूँ और पहले दिन से जब से ये डायबिटीज़ पकड़ में आई, डिटेक्ट हुआ, डायग्नोज हुआ, उस दिन से रोज़ के 3 इंजेक्शन मुझे प्रिस्क्राइब की गए हैं और आज तक मैं 41 सालों से रोज़ के 3 इंजेक्शन दे रहा था, साथ ही जो एलोपैथिक दवाइयाँ थी। और ये डायबिटीज़ से मुझे अंदर से खोखला कर दिया था, कई अमराज कई मर्द इसके साथ लगे हुए थे, परेशान हो गया था, रोज़ सुबह उठो 10-12 गोलियाँ सामने देखकर एक वक्त ऐसा आया कि तंग आ गया मैं कि ये सारा छोड़ दो, जो होना है होगा। फिर किसी ने डॉक्टर साहब, हालांकि इनका नाम तो मैंने सुना था लेकिन कभी मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ था, खैर मैं पहुंच गया इनके पास, मैंने सारी बातें बताई और ये देखिए डॉक्टर साहब ने पर्ची पूरी लिख कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा जो डायबिटीज था उसका डोसेज जो है इनके इलाज के बाद से कम हो गया। हालांकि इंजेक्शन अभी भी लेता हूं, डॉक्टर साहब का कहना है कि जब तक पूरा मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आए आप वो साइड में जो दवाएं ले रहे हो मत छोड़िए, आप भले यूनानी लेते रहिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज यूनानी का ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके इलाज के बाद अभी हाल ही में मुझे स्पाइन का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया और इतना परेशान हो गया मैं सारा दौड़ धूप करने वाला घर में कैद हो गया मैं, न कहीं आना न कहीं जाना। इन्होंने दो टाइप के तेल दिए, कहा कि ये मालिश कीजिए और उस टेबलेट भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी दर्द में थोड़ा सा अफाका होना शुरू हो गया है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुकम्मल कंट्रोल में आ जाएगा। और डॉक्टर साहब का जो खुलूस देखा मैंने, कल से कहा हॉस्पिटल में जाओ केस पेपर आप निकाल लो, सुबह 10 से 1 बजे तक ये ओपीडी में मुलाकात करते हैं और हर मरीज को इतना गहराई से सुनते हैं, सोचते हैं और फिर उनका इलाज भी कर देते हैं। और आउट ऑफ द वे जाकर मेरे घर में मेरी सास जो 86 साल की उम्र है और बिस्तर से माजूर है, वो लगी पड़ी है। मैंने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है उनको माइल्ड लकवा हो गया है, आप घर पर जा सकते हैं। फौरन इन्होंने वो ओपीडी ख़त्म की और ये घर पर पहुंच गए। अब मैं किस मुँह से इनकी तारीफ बयान करूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि सर के लिए, डॉक्टर साहब के लिए एक ही शेर मेरे जहन में आ रहा है, हमेशा ये यही कहते हैं मेरी ज़िंदगी यही है कि सबको फैज़ पहुँचे, मेरी ज़िंदगी यही है कि सबको फैज़ पहुँचे, मैं चिराग रह गुज़र हूँ मुझे शौक़ से जलाइए बस। और मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि एलोपैथी का चक्कर छोड़िए, भले आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता होगा लेकिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन में फिर वही मर्ज रिलैप्स होता है। यहाँ इसका जड़ से इलाज मिलेगा और ये दवाइयाँ जो है कड़वी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप ले नहीं सकते हैं। मीठी दवाइयाँ हैं, माजून है, टेबलेट है, मालिश के लिए तेल है, और क्या चाहिए आपको। और सबसे बड़ी आपके पास आए काबिल प्रोफेसर डॉक्टर कैसर खान हैं, बहुत से होम्योपैथी और एलोपैथी के और यूनानी के डॉक्टर्स हैं लेकिन अल्लाह ने जिसको सेलेक्ट किया है उसी के हाथ में शिफा दी है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कैसर खान जो है अल्लाह के एक चुनिंदा बंदे हैं जिनके हाथ में शिफा दी गई है। तो मैं तो यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि जाइए इलाज करवाइए, यूनानी शुरू कीजिए जिसमें जड़ से पकड़ है, जड़ से इलाज है। तो यही मेरा पैगाम लोगों तक है और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ायदा उठाइए। ये नहीं है कि डॉक्टर साहब को तकलीफ़ नहीं होती है, हर मरीज़ को सुनना पड़ता है, लेक्चर के लिए जाना पड़ता है, दिमाग कहाँ कहाँ भी भटकता है, इनको परेशानी भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन हमेशा यही कहते हैं कि ठोकर से मेरे पांव तो ज़ख्मी हुए मगर, ठोकर से मेरे पांव तो ज़ख्मी हुए मगर मैं खुश हूँ कि राह से पत्थर तो हट गया, किसी को फ़ायदा पहुँचा, भले मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई उसमें ये खुशी महसूस करते हैं। तो और इससे बढ़कर क्या चाहिए, शुक्रिया, थैंक यू। कैंप में आप आए हैं, क्या दिक्कत आपको आ रही थी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे नज़र कम था, मुझे अच्छा लगा मुझे ज़रा आने के बाद, मुझे चश्मा मिला है फ्री में, फ्री चेकअप हो गया है जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनके लिए बहुत आभारी हूँ जी। ये इस तरह की मेडिकल कैंप क्या और होने चाहिए? हाँ ये तो बेशक होना चाहिए, क्या अभी बेरोज़गार तो है ऐसे ही जी, तो चश्मा का तो हर एक को ज़रूरत है, आजकल बच्चे बच्चे को ज़रूरत है, तो इसके लिए तो ये काफ़ी नेक काम है। डॉक्टर ने किस तरह से ट्रीटमेंट किया, अच्छे से सब हो गया आपका? अच्छा किया। अच्छा चश्मा आपको जो मैं, अच्छा चश्मा आपको, हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे काका, आप यहाँ पे चेकअप के लिए आए मेडिकल कैंप में एकता मंच के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। किस चीज़ के लिए आप चेकअप कराने आए थे? मैं आया था ब्लड चेक कराने के लिए, किडनी को चेक कराने के लिए, जनरल चेकअप के लिए, और अभी एक दूसरा कुछ
चेकअप कराना है उसके लिए जी। किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है? अच्छे, बहुत अच्छे। गरीबों के लिए क्या बहुत अच्छी चीज़? गरीबों के लिए बहुत अच्छे। डॉक्टर लोग किस तरह से आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? एकदम बढ़िया। इस शिविर में आए हैं किस चीज़ के लिए आप आए थे और क्या आपको वो चीज़ें जो भी चेकअप था आपका हुआ? हाँ, घुटने में दर्द था। अच्छा। उसके लिए हाँ उसके लिए आया, दवा लिया जी। तो डॉक्टर ने चेकअप किया प्रॉपर? हाँ डॉक्टर ने। क्या कहा डॉक्टर ने चेकअप करने घुटने में कि क्या दिक्कत है कुछ नहीं, क्या बोला? हाँ बोले एक्सरे ले लो और दवा देता हूँ आपको, आराम रहे। हाँ यहाँ पर एक गरीब इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके पैसे से बहुत ज़्यादा नहीं, कितना अच्छा है इस तरह का शिविर? अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है शिविर। अच्छा है जी। दवा वगैरह दी है आपको? हाँ दवा। अच्छा, दवा दिए भी है। अच्छा। हाँ दवा दी। आप बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गरीब है, बाकी लोगों को इस शिविर के बारे में क्या आना चाहिए? हाँ इसमें आना चाहिए और दवा लेके जाना चाहिए, दवा ले लेंगे उनको राहत आराम। और ये जो ऑर्गेनाइज कराया जिन्होंने एकता मंच ने, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आए हैं एकता मंच के शिविर में, क्या दिक्कतें आपको आ रही थी और क्या आपको वो इसका इलाज या निवारण मिला यहाँ पर आकर? नहीं, मुझे बहुत अच्छा मिला है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली एकता मंच की तरफ से हमें मैसेज आया था कि सचिन सर शिविर जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और प्रशांत जो हैं वो मेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कॉल साहब जो हैं वो एकता मंच की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। मैं लोखंडवाला में रहता हूँ और मैं वहाँ से आया हूँ, एंड आफ्टर सीइंग दिस एलोबरेट अरेंजमेंट आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। द बेस्ट थिंग आई फाउंड वाज द रजिस्ट्रेशन वाज वेरी सिस्टमेटिकली मेड, इवन द स्टॉल्स आई फाउंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ईजी कस्टमर्स। और जो मेरी तकलीफ थी न्यूरो की, जी जी मेरे पैर की तकलीफ थी जी, वो भी मैंने न्यूरो वहाँ पर दिखाई है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से देखा और बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे बताया है, ट्रीटमेंट भी दिया है और ब्लड टेस्ट वगैरह कराए हैं और रियली गुड, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा मतलब ट्रीटमेंट मिला है और सेटिस्फाइड हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइज किए हैं, माय सिंसियर थैंक्स टू देम और बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही आप करते रहें सोशल वर्क, और डॉक्टर्स को स्पेशली डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स ने जो सर्विस दी है, प्लस सोशल वर्कर्स, प्लस जो टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सब के लिए। बिकॉज मैं खुद लासन एंड टूब्रो में था, मैं रिटायर्ड L&T से हूँ, सीनियर मैनेजर रिटायर्ड फ्रॉम L&T, तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।